अगर आप लोग अपनी इंस्टाग्राम रील्स को वायरल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा। अब वो काम ये है कि आप लोगों को इंस्टाग्राम रील्स के जितने भी ट्रेंडिंग सॉन्ग या साउंड है उन पर आपको वीडियोस बनानी है। लेकिन आप में से यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ रही है कि उन्हें ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम रील्स के ट्रेंडिंग सॉन्ग को, साउंड को या फिर म्यूजिक को किस तरीके से ढूंढा जाता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप लोग इंस्टाग्राम रील्स की ट्रेंडिंग ऑडियो को बहुत आसान तरीके से ढूंढ सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि 5 में से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका ऐसा पसंद आ जाएगा जिसको आप बार बार यूज करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, लाइक करने से इस तरीके की और वीडियोज बनाने में मजा आता है। और एक और चीज कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट करना मत भूलना। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग पहली ट्रिक जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम रील्स की ट्रेंडिंग ऑडियो को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हमें इंस्टाग्राम रील्स में आना होगा और यहाँ पे जो मैं रील्स में आया हूँ ये अभी ट्रेंडिंग में नहीं है। तो वो मुझे कैसे पता लगा मैं आपको आगे समझाता हूँ। और हम लोग इस रील पे आए हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑडियो है ना ये अभी ट्रेंडिंग में। अब मुझे कैसे पता लगा, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ नीचे यहाँ पे ओरिजिनल ऑडियो लिखा है ना, इसके साइड में यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिख रहा है। और अगर कोई भी रील में आपको ये एरो का ऑप्शन दिखाई दे ऑडियो वाले सेक्शन में तो ये आपको समझ जाना है कि ये रील अभी ट्रेंडिंग में है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस ऑडियो पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 11,000 रील्स बन चुकी है और यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ऑडियो पे बहुत ज्यादा रील बनी हो और ये साइन ना हो इसका मतलब ये कि वो रील अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, पहले कभी थी वो ट्रेंडिंग में, अभी वो ट्रेंडिंग में नहीं है उसकी ऑडियो। तो सिंपल सा एक तरीका है किसी भी ऑडियो का ये पता लगाने का कि हाँ यार यही ऑडियो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उज्जवल की एक ऑडियो है, उज्जवल नाम के बंदे की, तो यहाँ पे ये अभी ट्रेंडिंग में। अभी हम लोग इस पे देखते हैं कितनी रील बनी है, तो 27,000 रील्स बन चुकी है, अभी करंट ट्रेंडिंग है। यहाँ पे आते हैं ये भी ट्रेंडिंग में। तो इस अकाउंट पे क्या होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग रील शो करती है। अब वो इसलिए क्योंकि मैं ज्यादातर ट्रेंडिंग रील्स को लाइक वगैरह करता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी ट्रेंडिंग में, ये भी ट्रेंडिंग में है और ये भी ट्रेंडिंग में, बट ये ट्रेंडिंग में नहीं है। तो हम लोग इसके ऑडियो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कितनी ऑडियो बनी है, सिर्फ एक बनी है। तो ये बहुत आसान तरीका है जिसके जरिए आप लोग इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग सॉन्ग को ढूंढ सकते हैं। तो हम लोग दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा इंस्टाग्राम स्टोरी में। अब वो क्यों आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सिंपली स्टोरी वाले सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे स्टोरी को सिलेक्ट करेंगे और एक फोटो को इस तरीके से यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और म्यूजिक वाले सेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पे जो हमें फॉर यू में म्यूजिक सजेस्ट हो रहा है ना ये हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से सजेस्ट होते हैं, ये ऐसे ट्रेंडिंग वगैरह में नहीं होते। लेकिन जो ब्राउज वाला सेक्शन है ना वहाँ पे हम लोगों को वो सॉन्ग सजेस्ट होते हैं जो अभी इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो और यहाँ पे एक और ये फायदा होता है कि कैटेगरी वाइज होते हैं। लाइक अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे 90s एंड 20s की रील्स बनाना पसंद है तो आप उन सॉन्ग्स को यहाँ से सीमोर पे क्लिक करके यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रिकमेंड हो रहे हैं। या फिर अगर आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स पे रील्स बनाना पसंद है तो आप लोग यहाँ से चूज वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को पॉप म्यूजिक देखने को मिल जाता है, जेनर्स के हिसाब से मिल जाता है। लाइक अगर आप लोगों को मलेशियन पॉप, मलेशियन हिप हॉप और अलग अलग टाइप की आपको कैटेगरी देखने को मिल जाती है। लाइक वीकेंड म्यूजिक यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकेंड के हिसाब से, तो यहाँ पे अलग अलग आपको सॉन्ग्स मिल जाएंगे, आप इनका यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम रील्स में। तो अब हम लोग तीसरी ट्रिक की बात करते हैं। तीसरी ट्रिक के लिए हमें जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर वाले सेक्शन में। एक्सप्लोर वाला सेक्शन कहाँ होता है, सर्च वाले सेक्शन में होता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लोर पेज रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें काफ़ी रील्स देखने को मिल रही हैं और एक्सप्लोर पेज में जितनी भी रील्स होती है ना उनमें से मोस्टली इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग रील्स ही होती हैं, यानी जो ट्रेंडिंग ऑडियोज होती हैं उन्हीं पर रील्स बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक रील सजेस्ट हो रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं हम कि अभी भी ट्रेंडिंग में, इसमें कितनी वीडियोस बनी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनी है। और अब हम लोग आ जाते हैं और कोई सी रील्स को चेकआउट करते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं ये भी यहाँ पे ट्रेंडिंग में और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रील्स बनी है। तो जस्ट आपको क्या करना है कि अगर आपको सिर्फ ऑडियो यूज़ करना है ना तो आपको सिंपली सेव ऑडियो पे क्लिक करना है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाद में भी। मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग बहुत सारी रील्स को देखते रहते हैं ना तो बाद में स्क्रॉल कर देते हैं और भूल जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार वो वाला साउंड बहुत अच्छा था। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोगों को जस्ट जैसे कोई भी रील पसंद आ रही है, मैं यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये वाले साउंड पे और ये साउंड भी ट्रेंडिंग में, तो हम लोग जस्ट साउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव ऑडियो पे क्लिक कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि हमारे जो रील्स वाले सेक्शन है ना वहाँ पे सेव ऑडियो में जाके हम लोग बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है जिसके जरिए आप लोग इंस्टाग्राम रील्स की ट्रेंडिंग ऑडियो को ढूंढ सकते हैं।
अब हम लोग चौथी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। चौथी ट्रिक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पर्टिकुलर एरिए के लिए वीडियो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, या फिर किसी टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, या फिर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, या फिर किसी अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर कोई ट्रेंडिंग ऑडियो मिल जाए तो आप लोगों के लिए कितना बेस्ट होगा, तो ये वही ट्रिक है। तो उसके लिए हम लोगों को सर्च बार में जाना है यहाँ पे, और सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग फैशन सर्च करेंगे, ठीक है। फैशन यहाँ पे हमने सर्च करा और यहाँ पे सर्च कर देंगे, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे टैग्स वाले सेक्शन में जाना है। तो टैग्स वाले सेक्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग शो करेंगे। अब हम लोग किसी पे भी जा सकते हैं, तो हम लोग फैशन पे ही चलते हैं, और फैशन पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 बिलियन पोस्ट हो चुकी है इस पे, बट हमें उस पर अभी ध्यान नहीं देना, ये अलग चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रील्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग उसी कैटेगरी से रिलेटेड ऑडियो उठा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें वही ट्रिक फॉलो करनी है जिसमें एरो वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एरो वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, तो इस वाली ऑडियो पे एरो वाला ऑप्शन आ रहा है। तो मैं अगर फैशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ या फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मेरी रील्स के हिसाब से सही ऑडियो बैठेगी, तो सिंपली मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे सेव ऑडियो कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। जस्ट आपको स्क्रॉल करते जाना है, और इसी तरीके से आप अपने पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से ट्रेंडिंग रील्स को ढूंढ सकते हैं। अब हम लोग पांचवी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो टिकटॉक है वो इंडिया में बैन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टिकटॉक पे जो ट्रेंड चलते हैं ना, वो टिकटॉक के बाद रील्स पे ही आते हैं। मतलब सबसे पहले कहाँ पे ट्रेंड आते हैं, टिकटॉक पे। अब टिकटॉक से लोग उठा के रील्स में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कैसा हो अगर आप लोगों को यही पता लग जाए पहले से कि यार टिकटॉक पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है, यानी कि कौन सी ऑडियो ट्रेंडिंग में चल रही है, जी हाँ आप ये पता लगा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि क्रोम में आना है और एक चीज़ यहाँ पे सर्च करनी है। तो हम लोग सर्च कर लेते हैं talkboard.com, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉकबोर्ड जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमें वेबसाइट आ जाएगी, तो हम लोगों को इसको ओपन करना होगा, और हम लोग देख सकते हैं टॉप टिकटॉक सॉन्ग्स दिस वीक, मतलब इस हफ्ते के जो टॉप टिकटॉक सॉन्ग्स हैं वो हमें यहाँ पे सजेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कितने व्यूज गए, कितने पॉपुलैरिटी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितने की लिस्ट मिलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 50 अबाउ बहुत ज़्यादा यार, ये तो 100 से भी ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हमें टॉप 100 मेरे हिसाब से मिल जाएगी, आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं कितना है, लेकिन मेरा सजेशन होगा टॉप 20 ही देख लेना आप लोग, क्योंकि वही हो सकता है इंस्टाग्राम रील्स में ट्रेंडिंग में चल रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभी कौन सा लव यू सो वाला जो सॉन्ग है, ये अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर में चल रहा है फर्स्ट पे इस हफ्ते, ठीक है। सेकंड पे मंकी स्पिनिंग चल रहा है एज इट वॉज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि यार टिकटॉक पे कौन सा सॉन्ग अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप यहाँ पे पहले से ही उस सॉन्ग पे वीडियोस बना सकते हो, एंड बाद में तो रील्स में आना ही है, तो ये एक बेस्ट तरीका है। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम रील्स की ट्रेंडिंग ऑडियो, सॉन्ग, म्यूजिक या फिर साउंड, ये सारी चीज़ों को कैसे ढूंढ सकते हो, और मैंने आपको 5 ऐसे तरीके बताए जिनमें से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई तरीका पसंद आया होगा। तो आपको ये चीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है कि आपको 5ों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा, और नहीं करा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोज़ डालूँ तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।